हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। एक पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था, बताया कि सर आप इस तरह का कुछ स्टार्ट कीजिए केवल जिससे इंग्लिश इंग्लिश के लिए हो और बच्चा उससे इंग्लिश रीडिंग आसानी से सीख सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्चुअली इंग्लिश रीडिंग सेक्शन। और इंग्लिश रीडिंग में क्या होगा, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो तीन क्लासेस हैं उसको मैंने लेवल 1 का नाम दिया है। और क्लास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के लिए मैं ऑलरेडी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग, स्पीकिंग वो मैं सेक्शन शुरू कर चुका हूँ और 5 वीडियोज़ उसमें जा चुके हैं, 5 डेज वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है इसके लिए भी हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या हम सिलेबस कवर करेंगे तो ये ज़रा देख लीजिए आप। तो देखिए, ये है इंग्लिश रीडिंग सेक्शन लेवल 1, क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के बच्चों के लिए। ओके, तो जो सेकेंड और थर्ड के बच्चे हैं ये आप खुद से समझ सकते हैं, लेकिन क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पेरेंट्स, आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप बच्चों के लिए टाइम निकालें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी आपने ट्यूटर लगा रखा है उसकी हेल्प से, और ये जो मैं भेजूंगा वीडियोस इनको बच्चों के लिए पढ़वाना है। ओके, इसीलिए मैं आपके लिए ये भेज रहा हूँ। तो एनी हाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, कैसे आप जो है बच्चों तक उसको प्रोवाइड करवाते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाला हुआ है जैसे लेटर साउंड्स। ओके, हालांकि जो लेटर साउंड है वो यूकेजी का सिलेबस होता है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो फिर भी मैंने यहाँ पे ऐसा रिवीजन के तौर पे डाल दिया है। ओके, साउंड ऑफ वोवल ए। अब इससे पहले जो मैंने वो कंटेंट भेजा था पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा था, तो वहाँ पे जो एक ही साउंड के वर्ड्स थे वो ज़्यादा नहीं थे, और एक ही साउंड भी कई तरह की साउंड निकलती है। यहाँ पे कुछ एडवांस है तो ओके, वो भी हम देखेंगे। साउंड ऑफ वोवल ई, यानी जितने भी हमारे वोवल्स होते हैं उन सब की साउंड आएगी। साउंड ऑफ वोवल आई, साउंड ऑफ वोवल ओ, साउंड ऑफ वोवल यू। इसके अलावा कुछ डबल लेटर साउंड होते हैं, जैसे एस एच का साउंड क्या होता है, सी एच का साउंड क्या होता है, उससे बनने वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे उनको प्रोनाउंशिएट करते हैं। साउंड ऑफ कंबाइंड लेटर्स होते हैं, जैसे बी एल होता है तो ब्ल, ब्र, ट्र, स्ट, कुछ इस तरह के होते हैं। फिर उनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको कैसे रीड आउट करते हैं। ओके, इसके साथ ही कुछ वोकेबलरी भी मैंने ऐड की हुई है, जिससे कि बच्चों की जो बेसिक जो चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, है ना, वो बच्चे के दिमाग के अंदर चले जाएं। ओके, जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, घर में का काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं, बॉडी पार्ट्स, वेजिटेबल्स और नेशनल थिंग्स, ये जीके वाला भी पोर्शन बन जाएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चनिंग टाइप होती हैं, तो वो जैसे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे बच्चा जो व्हाट व्हाट जो है ये क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग करना भी सीखता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम कवर करेंगे इसमें। ओके, तो बच्चों के लिए आप स्पेशल अलग से नोटबुक बनवा सकते हैं इसके लिए, अगर बनवाएं तो बहुत अच्छा है। ओके, सो ये रहेगा सिलेबस। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ जो है बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, जो मैं भेजूंगा कंटेंट उसका भी जो है साथ साथ रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि मेरे भेजने का तभी फायदा होगा जब उसका यूटिलाइज आप करवा पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं इस रीडिंग सेक्शन की पहली वीडियो के साथ कल। सो थैंक यू ऑल।